हमारे अस्सलाम गाइस, आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ है मैक्रोनी की रेसिपी। तो बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है। और देखते हैं मैक्रोनी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और चले आए वीडियो बनाना स्टार्ट करें। तो गाइस, ये मैंने चिकन लिए थोड़ी सी, जिनको मैंने क्यूब में कट कर लिया है। और ये मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं और प्याज लिए। ये पास्ता है, मैक्रोनी है, और ये चिली सॉस है, और ये सोया सॉस है। ये दोनों ऐड होंगे इसमें। चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये सारी चीज़ें जो ऐड होगी मैंने नाम बता दिया आपको। तो इसके अंदर कुछ खुश मसाले भी ऐड होंगे, तो वो भी मैं जब ऐड करती हूँ तो आप लोग दिखाते हो। तो चले हैं, देख लेते हैं हम किस तरीके से पास्ता बनाएंगे। सो गाइस, ये देखिए मैंने पानी रख दिया है, इसको ये बॉयल होते हैं तो इसके अंदर पास्ता डालते हैं। तो इसके अंदर मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है ताकि पास्ता जो अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए। और ये हसबे जाए का नमक डाल देंगे इसके अंदर हम। तो देखिए बॉयल होना शुरू हो गया है, तो हम इसके अंदर ये मैक्रोनी डाल देंगे। तब इसको अच्छे तरीके से हम बॉयल कर लें। तो इसके बॉयल होने का हम वेट करते हैं, और जो मसाला तैयार कर लेते हैं अब हम। सो गाइस, ये देखिए पास्ता जो है बॉयल हो रहा है। तो जब तक हम ये बॉयल होते हैं तो हम इसके मसाला बना लेते हैं, जो हमने इसका मसाला बनाना है। तो देख लेते हैं हम किस तरीके से बनाएंगे। सो गाइस, ये देखिए मैंने ऑयल ले लिया, तो इसके अंदर मैंने 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज डाल दिया है। तो इसको हम फ्राई कर लेंगे हल्की आँच पर। हमने फ्राई कर लेना है। तो जब जो है प्याज का कलर जो है थोड़ा सा चेंज होता है तो और चीज़ें भी ऐड करती हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइस, देखिए प्याज जो है ब्राउन हो चुकी है, तो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इसकी भुनाई करने के अच्छे तरीके से, जब तक इसे कच्चापन निकल जाए। तो गाइस, अब हम चिकन डाल देंगे इसके अंदर और इसकी भी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। साथ ही साथ हमारा पास्ता जो है बॉयल हो रहा है। तो गाइस, ये देखिए चिकन जो है फ्राई हो रही है, तो अब हम कुछ खुश मसाले ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हसबे जाए का नमक ऐड कर लेंगे, और खुश मसाले भी ऐड करें तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। 1 छोटा चम्मच छोटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, और 1 छोटा चम्मच जीरा का ऐड कर देंगे हम। और इन मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, इनकी भुनाई भी कर लेंगे साथ ही साथ हल्की आँच से। और अब थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे इसमें, इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा चिली सॉस डाल देंगे। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे आपस में। और टमाटर का जो मैंने पेस्ट बना लिया था ग्राइंडर करके, ये भी डाल देंगे। तो गाइस, देखिए मैक्रोनी जो है बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो चुकी है। देखिए ये ऑयल हमने डालते इसलिए देखिए बिल्कुल अलग अलग हो चुकी है, देखिए चिपकी भी नहीं बिल्कुल साथ साथ, तो ऑयल से यही फ़ायदा होता है। तो गाइस, देखिए मसाले की भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है, तब हम इसके अंदर मैक्रोनी डाल लेंगे। तो गाइस, अब हम इसके अंदर मैक्रोनी ऐड कर देंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे मसाले में। तो गाइस, देखिए मैक्रोनी तो हमने मसाले में डाल दिए, तो इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हम हल्की आँच पे रख देंगे। तो फिर हम दिखाते हैं 5 मिनट के बाद। सो गाइस, देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। ये देखिए मसाला भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये देखें,
तो हम इसको डिश आउट कर देते हैं। सो गाइस देखिए जो है मैक्रोनी मैंने डिश आउट कर दिए थे, माशाल्लाह कितनी अच्छी तैयार हुई है, माशाल्लाह कलर ही बहुत खूबसूरत आया। तो आपने लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और ऐसे ही पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के लाजमी प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।